शब्द विचार, शब्द विचार में हमने आपको योग के आधार पर शब्द, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, ये उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भाव, विदेशी, देशज, विदेशी और संकर, ये सारे इसमें बताए हैं। इसमें अब देखिए, अब दूसरा आपको बता रहे हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद, दूसरा इसमें तद्भाव, तद्भाव देशज, विदेशी, ये हम आपको दोनों बता चुके हैं। अब इसमें ये हमारे पांच हुए कि जिसमें तत्सम, तद्भाव और देशज, विदेशी, शंकर, ये पांच प्रकार हो गए, पांच भेद हो गए, जिनमें से आपको हमने दो भेद तत्सम और तद्भव दोनों बता चुके हैं। अब हम तीसरा देखते हैं, इसमें आता है देशज, देशज के विषय में देखते हैं। देशज वे शब्द जो तत्सम या तद्भव में होकर, वे शब्द जो तद्भाव में होकर अपने ही देश की, अपने ही देश की भिन्न भिन्न बोलियों से हिंदी भाषा में आ गए, उन्हें देशज
शब्द कहते हैं। जैसे जैसे खटिया, लुटिया, लोटा, लोटा, चूड़ी, काम, ताला, गोल मटोल, आदि। ये हमारे हुए देशज शब्द। इसमें बहुतेरे ऐसे शब्द हैं देशज में शब्द जो तत्सम या तद्भव न होकर अपने ही देश की भिन्न भिन्न बोलियों से हिंदी भाषा में आ गए, देशज शब्द कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। जैसे खटिया, लुटिया, लोटा, चूड़ी, टांग, गोल मटोल, रोटी सोटी, मेल जोल, खिचड़ी, जूता, मटका, पेट, झुग्गी, पैसा, ये सारे के सारे हमारे देश शब्द कहे जाते हैं। इसी प्रकार से आगे देखते हैं, विदेशी, विदेशी हिंदी भाषा में इसमें अब हम देखते हैं विदेशी। हिंदी भाषा में अंग्रेजी, अरबी, फारसी, फ्रेंच आदि। भाषाओं के शब्द समय समय पर